इस प्रॉब्लम को हम लोग जो अपने बेसिक मेथड से करते थे, हम लोग कैसे एनालाइज करते थे, मैं पूरे स्ट्रेस बतलाता हूं। पहले सिस्टम डिसाइड करते थे, कहते थे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। और जिस समय मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है स्ट्रेच होगा, उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हम लोग सबसे पहला मेथड होता था, पहला स्टेप होता था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले मैं उससे सॉल्व करके बतलाता हूं दोनों से। अभी क्वेश्चन की जो लेंथ होगी ऑलमोस्ट सेम आएगी अभी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां पे हम लोग कहेंगे कि जिस समय मैक्सिमम स्ट्रेच होगा उस समय बोथ विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, तो वी कैन राइट हियर इनिशियल लीनियर मोमेंटम m1 v0 और बाद में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v। तो इससे हमें v की वैल्यू आ गई v इक्वल टू m1 v0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हमारे पास आ गई। इसके बाद फिर हम लोग यहां पे क्या लिखते थे, स्टेप टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती थी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, राइट। अब डेल्टा के में हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा के में लिखते थे वन बाई टू एम वन प्लस एम टू, दोनों की कॉमन वेलोसिटी थी, तो कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम वन मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाता था हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। अब v की वैल्यू हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करते थे। अब मुझे एक कैलकुलेशन ये करके बतला दो जरा, v की वैल्यू आपको यहां रखनी है और मुझे फिर x की वैल्यू बतला दीजिए, क्या रिलेशन x का आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं कि कैसे सोचें। देखना सेम सिचुएशन मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं, अब चेक करना कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर देखें, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा के सीएम विल बी जीरो। मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा के सीएम विल बी जीरो। अब यहां पर डेल्टा के इंटरनल होगा केवल, जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगा, तो नाउ वी कैन राइट हियर इस सिचुएशन में हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा है वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लें, तो यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो डब्ल्यू स्प्रिंग इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब डेल्टा के स्प्रिंग आपको मालूम है वर्डन कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वन बाई टू म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, तो वन बाई टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर। बतलाइए एक्स की वैल्यू आप यहां पर देखो, फाइनल जीरो होगी, इनिशियल इतनी थी इसलिए यहां पे माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस माइनस यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट आपके पास रिलेशन आ गया, यहां तक क्लियर है, समझ गए ना। देख रहे हो कि यहां पे जिस समय कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे उस समय सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, इनिशियल इतनी होगी, इसलिए चेंज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव, वर्डन इतना आया, यहां पे डायरेक्ट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब रिलेशन को डायरेक्ट लिखना, अब मैं फिर कंडीशन दे रहा हूं वर्डन बाय द, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिलेटिव स्लाइडिंग,
एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम में, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो भी चेंज आएगा वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि फाइनली होल द सिस्टम विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी सेम एज द सेंटर ऑफ मास। इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स फ्रिक्शन है जो वर्क करेगा, वो भी काइनेटिक नेचर का। अगर लिख लिया हो रिजल्ट तो मैं मुझे बतलाइए, लिख लिया है आंसर, मैं दिखला रहा हूं, पहले आंसर चेक करिए, यही रिजल्ट है। अगर हम लोग इधर पे अपने उस मेथड से करते तो आप समझ सकते हो कि तीन स्टेप्स कम से कम होते। यहां से अगर हम लोग कर रहे हैं तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। वर्डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो यहां पे क्या लिखेंगे, म्यू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एमजी मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और साइन क्या होगा, माइनस, और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का साइन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, माइनस होगा। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इस वाले केस में डब्ल्यू फ्रिक्शन इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ओके, तो यह आ जाएगा माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई एक्स रिलेटिव इक्वल टू वन बाई टू, ये माइनस होगा चेंज क्योंकि फाइनल तो जीरो होगा, माइनस एम वन, ये यहां पे कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लीकेशन, यहां पे वी रिलेटिव वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, राइट, वी नॉट माइनस जीरो। अब बतलाइए डायरेक्ट आ जाएगा वही रिलेशन जो मैंने आंसर बतलाया था, चेक कर सकते हो, यहां तक समझ में आ गया ना। ठीक है, फिर से एक कंडीशन देखिए, अब यहां पे समझ रहे हो कि ये कंडीशंस आपके कंट्रोल में धीमे धीमे आने लगी, और ये पार्ट अगर अच्छे से लर्न होगा तो हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स को कंट्रोल कर पाएंगे। रोटेशनल डायनेमिक्स भी हम लोग नए तरीके से सोचेंगे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और देखना, यहां पे ब्लॉक का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा तो ग्रेविटी होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना पड़ेगा। समझ गए ना, यहां पे हमारे पास क्या रिलेशन है, W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल इक्वल टू डेल्टा के इंटरनल प्लस डेल्टा के एक्सटर्नल। पहले मैं ये रिलेशन लिख लेता हूं, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल समझने वाली बात है, बस केवल एक एनालिसिस की बात। देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं W इंटरनल प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डेल्टा के सेंटर ऑफ मास। ओके, अब रीजनिंग वाला पार्ट, एक्सटर्नल फोर्स है यहां पे ग्रेविटी, तो यहां पे वर्क ग्रेविटी का नेगेटिव होगा, यहां पे तो ये समझ में आ गया। इंटरनल यहां कुछ भी नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस एमजीएच। अब यहां पे डेल्टा के सीएम, क्योंकि यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में चलने लगा, एक्सटर्नल फोर्स है, तो अब जरा चेक करना वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो, जिस समय मैक्सिमम हाइट में जाएगा उस समय भी वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड जीरो, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के सेंटर ऑफ मास को हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, तो डेल्टा के सीएम ड्यू टू द वर्टिकल मोशन विल बी जीरो, और हॉरिजॉन्टल तो पहले से जीरो था, इसलिए ये वाला पार्ट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब इसे फिर से वही लिख दो, मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, राइट। अब बतलाइए, अब एच कैलकुलेट कर लोगे,
M1 है, ये M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, तो H विल बी इक्वल टू M2 V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन G M1 प्लस M2, राइट? यहां तक क्लियर है? इतना आ जाएगा. चेक कर लीजिए, आपके पास जो रिलेशन मैंने बतलाया था, ये सेम रिलेशन, ये इस टाइप का रिलेशन आएगा. ठीक है? ठीक है, तो आपको मैं नेक्स्ट में इसी को कंटिन्यू रखूंगा, राइट?